कौन किसे ढूंढ रहे हो? कौन? क्रिस्टी? इधर नहीं आना, कैमरे के पास नहीं आना। क्रिस्टी कहाँ है? जी को ले। क्रिस्टी कहाँ बेटा? कहाँ है क्रिस्टी? एक दिन सुबह सुबह उसके साथ खेलने लगा 6 बजे, और यहाँ भी उसके साथ आराम से खेल रही। मैं लटक गया। जब तक पैर ना टिकेंगे ना, इतना नीचे ना उतरे। देख देख देख, इसके साथ खेलेगा। देख क्रिस्टी, 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 देख 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 क्रिस्टी। कितु खेल लो, प्यार कर दो भैया को। सूट क्यों लेके बैठ रही हो? देख रही हूँ, चलती है सिलवा दो। सिलवा दो, इसका अच्छी है। सिलवा लूं? ताई आप भी बैठ जाओ, ताई आप भी फ्रेम में आ लो। ताई तेरे 4-5 3-4 डाल रखे हैं। ना ना जी, क्यों पसंद आएंगे जब? क्या लेके भाग लिया? ये ला ताई, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। ये तो मम्मी आपके लिए लाई हूँ, अपनी फर्स्ट सैलरी से, पहली सैलरी के नाम से लाई हूँ। सही में तो अपनी सास के लिए लाई हूँ। सासू माँ को भी मैंने बस दिखाया। मम्मी हाँ, मम्मी मुझे कहती है बेटा ये सूट एक मेरे को दे दे, मैं ना खरीद लूंगी तुझसे। मैंने ना, मैं ना दे रही। कह दी ठीक है बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। ना वाइन मेरे घर बहुत ओली है, वाइन तो आज भी लाई हो आप, वाइन तो आज भी लाई हो। देख किचकिची भर रहा थे। मायशु काट रही है दोनों भाई बहन। कैसे से कोऑपरेट कर रही है, उसे बाल खींच लिए। वो पता क्या सोच रही है? वो सोच रहा अकेले में मिल तेरे को, तो मैं बताती हूँ। अभी लोग देख रहे कह रही है, अभी वीडियो बन रही है, तो बाद में बताऊंगी। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। चुटकुला था इस तरह, जैसे रब बिल्ली दांव पर बैठे लगी से मारेगी मायशु। बेटा पता है, ये मेरा प्यार मत लगा करो, फिर पीछे से लगाएगी। धमका दो बेटा, जेगो 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 ना। दीदी को सॉरी बोल, सॉरी बोल दीदी को, दीदी को सॉरी। माथा पकड़ लिया, कहता सॉरी बोल, ऐसे बोल सॉरी। जो ये तो पूरी जिंदगी करना है, लड़ना है, सॉरी बोलना है। ओ डेगीवा देख दो दो रो 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 रो, कत्ती वैसा वो लकड़ दिया, मात नहीं गई कत्ती, वो लकड़ वा दिया कत्ती बाजरी दे। क्या दी लो दादी, ये कत्ती का कपड़ा है, इसको मैं अपनी पहली तनख्वाह से आपके लिए लाई हूँ। बेटे मैं क्या करूँगी, शादी में पहनना। दो बिहार है अभी, दो अजी वो ये पूरी पेपर के दिखाए तो केकर हो जाएगा पैर ही ना 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 पहनना भी है कल सगाई में पहनना, इसलिए मैं आज लेके कंबल कुमल उठने की जरूरत ना, रात ने सोती है ना, ठीक ना, इन पैर के सो जाए अगर कुछ ना करे थे और की उम्र अबू नु करना। दो दिन तक कुछ ना करे, ये ढूंढना लग रहा हूँ मैं तेरे खातर, दो दिन ते समझा दिए। पता चोटी दादी के पीछे कर दे, ठीक से गरम है। हाँ हीटर, हीटर टेक रखा है, गोज भी है। हाँ
पीछे ना खा लेते ना दादी की इसमें और तो हल्के में ले रहे बुढ़िया ने कती मोटर नो रही है यार शीशे में देखे की देगी लाइट और चला दे शीशे की कुछ हुए हुए आगे थे देखी चमक जाएगी हाँ ठीक से आ जा दी ठीक से ना इन अपना पैर अपना आराम से को उन्हें बेच ले कि नहीं ठीक है कह है बोला उसका केक रूम का उन्हें बेच दे और की बाबू अंदर आने एक बार जो साइज टाइट है ठीक से ठीक एक इस तो बड़ा साइज हो रहा है शायद यो ठीक है ना यो ठीक से वो दे होंगे और के मोटे दा होता है ठीक से ना या कोई बात ना टाइम का के मेरा लग मोटी हो जाए हां ठीक है ना ठीक से या ठीक से साइज ये ठीक है ना कलर ठीक पेन भी देख लो अगर वो पसंद है लो बाबा दादी लोगे पानी तभी मैंने आपसे पूछा नहीं था मैंने कहा आपको कौन सा रंग पसंद आ रहा है आपने कहा ये बढ़ती है और आपने बताया मम्मी को पीला पसंद है मैंने वही दो रखी है और कौन सा लेगी फोटो ना खींचता मैं कंटिन्यूटी में रहती हूँ तो और दूसरा चेंज करा दिए फ्री ना जब है वो कलर ना हो तो तब मैं पसंद करके ले आई थी जाती मैं कहा मारा लिया पसंद आवे ना आवे फिर और भी तगड़ा करके हम पसंद बता तगड़ा कोई ना इतनी छूट से तू दूसरा तगड़ा करके ले जाई ना ना ये तो जो था वो तो हो गया तेरा है तो मम्मी को हमने इस तरीके से बोला था जो आप पहन सको ना ऐसा लाना कि मैं दे सकूं ऐसा मत लाना कि हाँ कही थी ऐसा स्पेशल ये बात ठीक कंबल की जरूरत ना आई उन्होंने या पैर के सोया कर मैंने तू ठीक है हां मम्मी बच्चा काका का उनकी ऑनलाइन दो दिन बाद आएगी लेकिन ये आज देने थे ना कल पहनने हैं तो काका की दो दिन बाद आएगी तभी शर्ट उनके भी साइज की दिक्कत आ रही थी कि इसको साइज आए ना आए शर्ट मंगाई इसका कर यहां से गई थी लेने लेकिन वो कह रहे थे वापस नहीं देंगे हम साइज का मैंने फिर ऑनलाइन बढ़िया चेंज हो जाएगी ये देख इसमें तो क्या है बुढ़िया का कमाल मातू राम की रगे चप कर दिया कारवाई तभी दादी ने दादी अब खा लो इस उम्र में या ना छोड़ यार कोड़े पे को मैं घर देख या मातू राम ने छोड़े ना कदी मातू ने पूरी ना खाए जे मातू राम की जलेबी ले पेट लाग रही है नहीं खाती है मेरी सासु मां हां ये कर दिया बहुत सारा हो गया दादी ने कर दिया अब आपकी बन भी जरूर ये गाऊं को और ये दादी को बांध दो नहीं यार तो कौन गलत है यार वो नहीं करती मैं खा ले फिर वो ढक्कन में धर लेती सही है मीठी है चरचरी है मीठी है ठीक है दादी क्वेश्चन पूछ रही है तेने गिरा दिया दादी क्यों राखू मैं दादी राख दादी आपको लगता है आपका पोता इतना सीधा मैं कहूंगी और मान लेगा मैं तो कहूँ ये देखो आपके आगे ही कहूँ कटवा लो क्लीन शेव करवा लो बाल भी और दाढ़ी भी गद्दी पकड़ लेगी मन बचना है तेरा के और आज काल कितने दिन की है तू बता उड़ फिर दे दे साटा ले होगी मैंने फिर फिर बचाना होगी तू ठीक है ना दादी झूठ के है न्यू ये वो छोरा इतने ला में लाने बाल करता होगा अच्छा अजय हाँ जी का ब्याह है अगली ने कह रखी है उसको भी ये तू भी कटा ले इतने ब्याह में दादी मैं कहूँ तो मैं तो कह रही अभी कटवा ले
कोना कटान देती दी तेरा देखे है कोनी मारे है नू दादी कोनी मारती तो इतना सीधा होता अभी तक मुड़ ना लेता इतनी कोनी खाए तो झूठा है आपका पोता। तो ये है छोटे पापा के लिए टी शर्ट शर्ट सॉरी शर्ट। तो जैसा आप लोग देख चुके हैं कि पापा मतलब मम्मी पापा वगैरह मैंने सबको सैलरी से अपनी फर्स्ट सैलरी से गिफ्ट किया चाहे वो मायके वाले थे चाहे वो ससुराल वाले थे सब बड़ों बड़ों को। तो बच्चे बस बड़े पापा छोटे पापा क्योंकि छोटे पापा की ऑनलाइन आनी थी जो लेट हो रही थी और दादी को पहले देना जरूरी था क्योंकि उन्हें सगाई में पहननी थी और ये सगाई से बाद आ रही थी। तो अभी जाते हैं छोटे पापा को ये देते हैं उन्हें ट्राई कराते हैं देखते हैं फिटिंग विटिंग फिर मेरा कंप्लीट की सबको मेरी सैलरी से फर्स्ट सैलरी से गिफ्ट मिला क्योंकि इस जॉब का सबने बहुत वेट किया चाहे वो इधर मायके वाले हो चाहे ससुराल वाले हो। तो गिफ्ट तो बन जाते हैं साइज बताओ और कलर बताओ कलर दूसरा की बहुत कलर बता दो के फोटो पर खींचो भाई मम्मी देखो बाहर गले इतने लोग ने और सेम कलर की ग्रादरी है वाह है ना ग्रे कलर ना आयो दिखा करे नहीं सी क्रीम है ना ये क्रीम भी ना है ऑलिव कलर है यो या ना है ऑलिव कलर है यो डार्क नहीं वो एक दरानी तब नहीं है कुछ तो वो किसी है इसी ओक दे देख लो वरना चीज हो जाएगी है ना बस ये लगी उसी ग्रीनिश ग्रीनिश सी लगी ना माँ सही है ना वहाँ ना हाजी सी तू कह रही सोच रही थी उसी ना है हाँ। तो ये सारे गिफ्ट्स मैंने दिए थे जितने भी बड़े हैं फैमिली में चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल हो क्योंकि इस जॉब का सबने ही बहुत वेट किया है बहुत शिद्दत से इसकी सबने राह देखी थी कब होगा सबने बहुत लाइक प्रे भी किया था हर कोई दुआएं देता रहता था कि जल्दी लगेगी तेरी मेहनत वापस नहीं जाएगी वो। तो इसलिए मैंने फर्स्ट सैलरी से सबके लिए गिफ्ट्स लाए जितने भी बड़े थे और इनमें जिनका शूट नहीं हो पाया या मैं शूट नहीं ले पाई वो बड़े पापा पापा और बुआ थे बाकी सबका तो शूट ले लिया था मैंने। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।